अरे तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, वीडियो नहीं बनानी क्या आज? अगर तुम्हें कॉमेडी या इमोशनल वीडियो बनानी है तो फिर नहीं बनानी। तो फिर कैसी वीडियो बनानी है तुम ही बता दो। उस लड़के की तरह वीडियो बनाते हैं ना जिसके 9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो वीडियो नहीं बल्कि वीडियो के नाम पर कैमरे के सामने असली हरकतें और अंग प्रदर्शन करती है। कुछ भी करती हो लेकिन उसका कंटेंट चलता है। अरे इतने तो हमारे फॉलोवर्स भी नहीं है जितने उसकी वीडियो पर लाइक आ जाते हैं। आने दो, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा ऐसा कंटेंट। तो मैं भी कॉमेडी या इमोशनल वीडियो नहीं बनाऊंगी। A few moments later. तुमने उसके लाइक्स तो देख लिए लेकिन कभी उसकी वीडियोस पर कमेंट पढ़ के देखना। शर्म के कारण अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाओगी तुम। फेमस होने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी सोच तो नीची और घटिया है। चलो फिर आज फैसला हो ही जाए तो बताओ क्या क्या इग्नोर करोगी तुम। ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब अच्छा कंटेंट देखना पसंद करते हैं लेकिन जब तुम गंद मचाओगी और ये तुम्हें अनफॉलो करेंगे ये इग्नोर कर सकती हो तुम? जी पर मैं तो कल अगर हम कहीं बाहर घूमने जाए और वहाँ हमारा कोई फॉलोवर मिल जाए और वो पब्लिक के बीच में ही हम पर गंदा कमेंट करने लगे ये इग्नोर कर लोगी तुम? चलो मान लिया तुम ये सब इग्नोर भी कर लोगी लेकिन कल जब हमारा विराट बड़ा होगा और इसको कोई तुम्हारी वाहियात वीडियो दिखाकर चिढ़ाएगा या गंदा कमेंट पास करेगा तो यकीन मानो ये ना तो इग्नोर कर पाएगा और ना ही बर्दाश्त। अंत में नतीजा ये होगा कि जिसके भविष्य के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं ना उसका भविष्य हम खुद ही खराब कर लेंगे। मुझे माफ कर दो जी, मैं समझ गई कि फॉलोवर्स भले ही कम हो लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।